आज ऑल जम्मू कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ की नासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी दिव्यांग लोगों ने हिस्सा लिया। ऑल जम्मू कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ के चेयरमैन सुशील शर्मा ने एलजी सरकार जम्मू कश्मीर द्वारा दिव्यांग विधवा और बुजुर्ग लोगों को मिलने वाली पेंशन को फिर से ऑनलाइन करके रिवाइज करने के तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज उठाई और इस फरमान को फौरन वापस लेने के लिए कहा। बैठक में संघ प्रधान श्यामलाल उप प्रधान तरसेम जी ने हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, चेयरमैन ऑल जे एंड के डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट। आज आप सब जो यहाँ हमारी जो मंथली मीटिंग हो रही है, वहाँ आए हुए हैंडीकैप लोग जो दिव्यांग पर्सन हैं, उनको आ रही मुश्किलात के बारे में जो बातें हुई हैं, तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको जागरूक कर दूँ कि आज की डेट में जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो दिव्यांग लोगों को परेशानी आ रही है, उसमें जो एक आर्डर निकाला गया है एलजी सरकार द्वारा कि नए लोगों की जो पेंशनें लगी उनको ऑनलाइन करना है और उसमें डोमिसाइल वगैरह जो भी है सभी कुछ लगाना है, मगर इसके साथ ही हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमारे जो पुराने जो पेंशन ले रहे हैं उन्होंने अभी 7-8 महीने पहले ही आधार लिंक करवा के बैंक से भी दिया है, उसके बाद UDID कार्ड भी दे रखे हैं, फिर भी उनको भी तंग किया जा रहा है कि आप लोग भी अपने कागज दीजिए। देखिए, हमारे दिव्यांग लोग जो हैं वो आधे तो बेड रेस्ट पे होते हैं और कईयों के पास डोमिसाइल नहीं है, कई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुँच सकते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए या एफिडेविट बनवाने के लिए, तो वो कैसे जाएंगे। मेरी चैनल के माध्यम से अपील है कि एलजी सरकार इस आर्डर को खासकर हमारे जो पुराने लोग पेंशन ले रहे हैं उनके लिए कैंसिल करें और जो नए लोग पेंशन लगाएंगे उनके लिए जो कंडीशनें लगेंगी वो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।